तो आज का जो समाज है, आज की जो सोसाइटी है, ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो चुकी है। इसमें समझदार लोग कम बचे हैं और बिल्कुल सनकी टाइप के लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें, आपको और हम सबको मेंटेन करनी है, वो ये है कि आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, एटलीस्ट ये जो दायरा है आपका, इसको आप जितना सही कर सकते हैं सही करके रखिए। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना कोलकाता की है। कोलकाता में एक जो औरत होती है, एक लड़की होती है, इसका नाम होता है बर्नाली रॉय। बर्नाली रॉय जो है, इनकी उम्र इस समय 21 साल है, और 21 साल में ये लड़की जो होती है, एक बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है। इसके पापा अच्छा खासा अर्न करते हैं, जो कि इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री में एक्टिवेटेड है। अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी इनके पापा डिफेंस में होने की वजह से, एक हैबिट थी कि उन्होंने अपनी बेटी को ज़्यादा छूट नहीं दी। एक रेस्ट्रिक्शन वाला जो माहौल था वो घर में बना के रखा, हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जो बच्ची को चाहिए थी, लेकिन बच्ची को एक्स्ट्रा जो है वो फ्रीडम नहीं दी। क्योंकि उनके समझ से शायद ये सही था, इस पर मैं कुछ जजमेंटल नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि हर फैमिली की, हर माँ बाप की अपनी एक इच्छाएँ होती हैं। और ये शायद सही भी सोच रहे थे कि अगर बच्ची को ज़्यादा फ्रीडम दी जाएगी तो बच्ची शायद बिगड़ जाए, और बाद में होता भी वही है। 21 साल की लड़की जब कॉलेज लाइफ में जाती है, देखती है कि इसकी नई नई फ्रेंड जो होती हैं, जो कार से आती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे घर से होती हैं, उनके पास आईफोन है, उनके पास मैकबुक है, उनके पास अच्छे अच्छे गाड़ियों का जो कलेक्शन है वो है। ये लड़की अपने पापा से बार बार आईफोन लेने की जिद करती है, लेकिन इसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं आईफोन तुझे भी नहीं दिलाऊंगा, तेरे पास जो फ़ोन है वही चलाओ, बाद में ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो मैं तुम्हें आईफोन दिलवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसके साथ कंटिन्यू करो। बाद में ये लड़की लैपटॉप के लिए बोलती है, उसके पास लैपटॉप भी था, लेकिन इनको लैपटॉप भी बहुत हाई क्वालिटी का चाहिए था। इनके पापा ने दोबारा बोला कि आपको जो वांट है, आपको जो नीड है, वो मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ, लेकिन पैशनेट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 21 साल है और इसमें आपको नई नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लड़की दोबारा बातचीत करना शुरू करती है कि मुझे फैंसी कपड़े चाहिए, जो बिल्कुल शॉर्ट कपड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कपड़े। इस बात पे ये जो रॉय फैमिली थी, इन्होंने बिल्कुल कड़ा एतराज़ जताया, और बाप ने बेटी को ज़बरदस्त तरीके से डांट दिया। बेटी बिल्कुल परेशान हो जाती है, रोना शुरू कर देती है, 2 दिन तक अपने आप को घर में बंद रखती है, और बंद होने के बाद जब वो बाहर निकलती है बहुत मनाने के बाद, तब भी बाप नहीं मानता है, बोलता है ये शॉर्ट कपड़े मैं पहनने नहीं दूंगा, सही कपड़े पहनो, जितना आपको चाहिए वो ले लो, जितना जितने अच्छे कपड़े चाहिए वो दिलवा दूंगा, लेकिन शॉर्ट कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं पहनने, क्योंकि हमारी जो समाज में जो हमारी पहचान है, जो इज्जत है, मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। इस बात को लेकर बाप और बेटी में ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई भी हो जाती है, बहस हो जाती है, और फाइनली एक दिन जो बेटी होती है, उसने अपने बाप को सोते समय ज़बरदस्त तरीके से उस पर वार करती है, और कंटिन्यू उसे 6 बार चाकू मारती है अपने बाप के पेट में, और ये गला यहाँ से बिल्कुल रेत देती है। ये रॉय फैमिली में जो मिस्टर रॉय थे, लड़की के पिताजी, बर्नाली रॉय के पिताजी, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उस लड़की ने आरोप ये लगाया कि मेरे घर में कोई आया था, सब कुछ चोरी करके ले गया, मेरी माँ के गहने, मेरे कपड़े, हमारे सबके फैमिली में जो लैपटॉप था, फ़ोन था, सब कुछ चोरी करने का ऐसा बहाना किया। लेकिन जब पुलिस ने सही तरीके से पूछताछ करनी शुरू की, तब बर्नाली रॉय मैडम जो थी वो टूट गई, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने अपने पिताजी को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करते थे, मेरी भी इच्छाएं अगर पूरी करते भी थे तो वो अपने तरीके से, मुझे शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने देते थे, मुझे रात में पार्टियों में बाहर नहीं जाने देते थे, मेरी जो फ्रेंड्स होती थी वो, मेरे जो मेल फ्रेंड्स होते हैं, लड़के होते थे, वो मेरे घर में बार बार आते थे, उन्होंने उनको भी आना मना करवा दिया। इससे जब मैं परेशान हो गई कि जब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी ही नहीं पाऊंगी, तो ऐसे आदमी को ज़िंदा होने से क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने अपने बाप को मार दिया, और मुझे ऐसे अपने बाप को मारने में कोई भी परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल अभी भी खुश हूँ। तो दोस्तों देखिए कि आज जो बच्चे हैं, नई जनरेशन के कुछ बच्चे किस तरीके की मेंटेलिटी कैरी कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप अपने बच्चों को सही तरीके से ज़रूर परवरिश करेंगे, जब वो बच्चे हों, जब वो छोटी उम्र के हों, तभी से उनको एक्सपेक्टेशन उनके साथ सेट कीजिए कि क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं है, उनके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। बड़े होने पर अचानक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जब छोटे हों तभी से उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, सो दैट आने वाले टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ ना हो, हमारे साथ ना हो। अलर्ट रहें, एक्टिवेटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।